अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सिमिशा और आप देख रहे हो मेरा चैनल एम ए पॉलिटिकल साइंस विद सिमिशा। ये मेरी वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसमें मैं आपको बारे में बताने लगी हूँ कि एम ए पॉलिटिकल साइंस पार्ट वन के पेपर टू मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट मुसलमानों के सियासी अफकारों इदारों के बारे में मैं ये वीडियोज़ बनाने जा रही हूँ। अब मैं बता रही हूँ कि इस वीडियोज़ में मैं कितनी वीडियोस अपलोड करूंगी इस सब्जेक्ट की और मैं क्या क्या आप लोगों को बताऊंगी, ये मैंने सिर्फ ओवरऑल डिटेल के तौर पर आपको ये चीज़ मैंने मेंशन की है। इसमें सबसे पहले मैं बुक कंटेंट के हवाले से मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूंगी, दूसरी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस अपलोड करूँगी मुस्लिम पॉलिटिकल थाट का। ये जो मुस्लिम पॉलिटिकल थाट है ना, इसी का ही सिलेबस मैं मुसलमानों के सियासी जो अफकार और इदारे हैं इसी के बुक कंटेंट लिस्ट में आपको साथ शेयर करूंगी। पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस आप लोगों के सामने शेयर करूंगी, उसको बताऊंगी समझाऊंगी। फिर पास्ट पेपर जितने भी हैं 2015 से 2020 यहां तक मैं इसको आप लोगों के सामने अपलोड करूंगी इस वीडियो को। फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट 12 बना के आप लोगों के सामने रखी थी, इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैंने बना ली है, मैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख दूँगी। और फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आउटलाइंस है वन बाई वन, जितनी मैंने 12 या 13 क्वेश्चन निकाले हैं उन सब की आउटलाइंस मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगी। इस बार सबसे ज़्यादा खुशखबरी की बात यह है कि मैंने आउटलाइन ही नहीं लिखी बल्कि उसके अंदर छोटा छोटा मटेरियल लिख दिया है, ताकि अगर एक आउटलाइन के अंदर आपने क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, कुछ अशार भी लिख दिए, अहादीस भी लिख दिए और आयात भी लिख दिए हैं, ताकि आपको मेरी आउटलाइन समझने में आसानी हो सके। क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए मैं बिल्कुल नहीं दिखा सकती इस वक्त, क्योंकि मेरे नोट्स और नहीं हैं। ठीक है, नोट्स मेरे पास हैं लेकिन मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स के मैंने कुछ कम बनाए थे, क्योंकि इसलिए कम बनाए थे क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा अच्छे से आता था मुझे, तो मैंने सिर्फ इसकी आउटलाइन बनाई थी, मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले थे, आउटलाइंस के अंदर जो मैं मटेरियल लिखती हूँ मैंने वो इसकी बनाई थी। पहले मैंने ये देखे रफ में बनाई थी, आप लोग देखते हैं कि मतलब मिस हमें एक रिस्पॉन्स नहीं दे रही, आउटलाइंस नहीं बता रही हमें, मतलब ये देखेंगे मैंने ना रफ में बनाया हुआ है, क्योंकि पेपर से 2 दिन पहले या पेपर से 3 घंटे पहले मैं ना ये रफ में लिख लेती हूँ हर सवाल को, कि यार मुझे कितना इसमें आता और कितना मुझे नहीं आता, मैं इस तरह रफ में लिखती हूँ। ठीक है, ये तो बहुत अच्छे हालत में मैंने आप लोगों सामने दिखाया है कि मैंने ये लिखे हुए हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा रफ में लिखा होता है छोटे छोटे नोट्स पे, छोटे छोटे पेजेस पे, मतलब कोई रफ पेज मिल गया, कोई पोस्टर कार्ड मिल गया मुझे, मैं उन पर लिखती रही हूँ, क्योंकि मतलब मेरा कोई इरादा नहीं था सच आज कि मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए या सच आज मैं किसी को पढ़ाऊँगी, मतलब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये सब जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ मैं ये सब सिर्फ स्टूडेंट्स के कहने की वजह से मैं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया था प्राइवेटली तौर पर तो मुझे यूट्यूब पर ऐसी कोई सचास वीडियोस मौजूद नहीं थी जिससे मैं गाइडलाइन लेती, जिसमें मुझे वन बाई वन पेपर्स के बारे में गाइड मिलती। टोटल इंग्लिश में वीडियोज़ मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में समझने में बड़ा टाइम लगता है और उर्दू का मटेरियल कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है। आप मुख्तलिफ वेबसाइट से, मुख्तलिफ पेजेस से, मुख्तलिफ बुक्स से, मैं जितनी भी वेबसाइट्स यूज़ करती हूँ, जितनी भी पेजेस यूज़ करती हूँ, बुक्स यूज़ करती हूँ, मैं सबका लिंक आप लोगों को देती रहूँगी, ताकि आप लोग खुद से भी अगर रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, जैसे कि CSS के स्टूडेंट, PMS के स्टूडेंट जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस रखी है, तो वहाँ उनको उर्दू में भी मिल जाएगा और इंग्लिश में भी मिल जाएगा। उर्दू में करने का मकसद ये है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो आप इंग्लिश में उसको लिख सकते हैं, एक CSS का एस्पायरेंट इंग्लिश में उस मटेरियल को कन्वर्ट करने में इजी होता है। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ आउटलाइन ड्रा करनी आनी चाहिए। ये तो खैर आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस थी, ये आप लोगों का एक तारुफ था इस वीडियो का, कि इसके बारे में मैं वीडियो स्टार्ट करने लगी हूँ आप लोगों के सामने। अब नेक्स्ट वीडियो मेरी आप लोग वेट करें, नेक्स्ट वीडियो में मैं बुक कंटेंट के बारे में आपको डिटेल बताऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे पास इतने ग्रुप में ऐड हो चुके हैं व्हाट्सएप पर, सब लाइक करके एक एक कमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट बना के व्हाट्सएप किया करें, ताकि मुझे भी मालूम हो कि ये जितने भी व्हाट्सएप पर आए हुए लोग हैं वो सीरियस हैं, फिर मैं उनको नोट सेंड कर दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी तो मैंने सिर्फ मजाक के तौर पे लोगों को कहा था कि मैं इतने इतने पैसे कर रही हूँ ताकि वो मेरी थोड़े से दिन के लिए जान छोड़ दें। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं 22 तक
बिजी हूँ, इस वजह से मैंने थोड़ा था ट्रिक खेली थी उन स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। बाकी उन सब के लिए साथ सॉरी, जो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से पेपर्स दे रहे हैं उनके लिए सो सॉरी, क्योंकि मैं अर्जेंट में किसी के लिए भी वीडियोस नहीं बना सकती, अर्जेंट में मैं कुछ भी आप लोगों के सामने शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि बॉक्स बंद है और मुझे बॉक्स खोलने में बड़ा टाइम लगता है। ये ऐसा नहीं है कि मैं सारा दिन फ्री होती हूँ या सारा दिन मैं इजी हूँ, तो आप लोगों का आप जब मैसेज करो तो मैं आपको फ़ौरन ही रिप्लाई करूँ, ऐसे कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी अपनी रूटीन लाइफ है, ठीक है। मैं आप लोगों की गाइडलाइन के लिए ही ये सारे पेपर्स अपलोड कर रही हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी वालों को मैंने टारगेट बनाया हुआ था, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी इसके पेपर अक्टूबर में है, अगर मैं एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट के भी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ तो इस तरह आप लोगों का एक महीने में या दो महीने में आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो मैंने तो पंजाब यूनिवर्सिटी सरगोधा यूनिवर्सिटीज़ वालों को ही टारगेट बनाया हुआ था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद वाले भी मेरे स्टूडेंट्स बन जाएंगे, कराची यूनिवर्सिटीज़ वाले भी, आज़ाद कश्मीर वाले भी, उन सबको खुश आमदीद इस चैनल पर। आप सब लोगों के लिए, आप लोगों के जो जो भी कंसर्न है, जितने भी सवाल हैं, वो आप मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स के लिहाज से आप लोग इसमें इस वीडियो के नीचे आप सवालात लिखते जाएं, जैसे जैसे सवाल मुझे इस वीडियो के नीचे मिलेंगे उन सवालों पर मैं वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगी, ताकि सारी दुनिया, पूरा पाकिस्तान, जिसमें जो जो एमए पॉलिटिकल साइंस किसी भी यूनिवर्सिटी से प्राइवेट कर रहा है उनके लिए आसानी हो सके इन सवालात को समझने में। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना टाइम देकर ये मेरी वीडियो को सुना है, 6 मिनट्स की हो चुकी है, मुझे मालूम है आप लोगों का मैं ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, लेकिन मुझे डिटेल में बताना था, इस वजह से मैंने ये वीडियो थोड़ी लंबी कर दी है। आप लोग लाइक्स करें, कमेंट्स करें और स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर दें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।